हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के डे हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी आपकी 2024-25 के लिए, यानी कि 2025 बोर्ड के लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होने वाली है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नई एनसीईआरटी जो है आप लोगों की 2025 बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आपको प्राइजेस बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या प्राइस रहने वाले हैं हर एक एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, और मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिससे आप लोग जाके परचेस करोगे तो आपको कितने की वो बुक पड़ेगी। अगर आप लोग जो है जो आप लोग जो है लोकल मार्केट से खरीदते हो, या आप लोग सिंगल, ठीक है, आप लोग खुद से खरीदते हो तो आपको कितने की पड़ेगी। अगर आप लोग मेरे लिंक से खरीदोगे तो कितने की आपको ये बुक पढ़ने वाली है ये बताऊंगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने क्या है, पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक खरीद ली है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, अमेजोन पे जाके लोकल मार्केट से पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक खरीदी है, तो मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, कि आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक में कितने चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, तो आप लोग इन चैप्टर को देख लेना एक बार। जब आप लोग बुक परचेस करो तो आप लोग उसमें चेक कर लेना पहले ही कि कितने चैप्टर आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जाम यानी कि 2024-25 सेशन के लिए होने वाला है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हम लोगों ने, ठीक है, जाके आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बैंक को लेकर, ठीक है, अलग अलग पब्लिशर के द्वारा स्कैम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पुराने वाले क्वेश्चन बैंक पकड़ाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को उनके झांसे में नहीं आना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुराने वाले क्वेश्चन बैंक और नए वाले क्वेश्चन बैंक में क्या अंतर है, उस स्कैम के बारे में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो में वापस आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक तो मैं आपको बुक के प्राइसेस बताऊंगा, एक मैं आप लोगों को चैप्टर्स बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग बुक में, जो आप लोगों की क्लास 10th है। ठीक है, 2024-25 सेशन के लिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप लोग जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के लिए, जो मैथ्स की बुक है आप लोगों की। ठीक है, जो मैथ्स की बुक है वो आप लोगों की कितने रुपए की है, ठीक है, वो आप लोगों की पड़ेगी आपको 160 रुपीज की, 160 की आपको मैथ्स की बुक पड़ेगी। इसके अलावा, ठीक है, अगर हम लोग चैप्टर की बात करें, कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, ये जो प्राइस बता रहा हूं मैं आपको, लोकल मार्केट या आप लोग खुद से जाके परचेस करोगे इतने की आपको पड़ेगी। मैथ्स के अंदर जो है आप लोगों के टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर है आपके 14। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जब बुक परचेस करो तो आप लोग एक बार चैप्टर को जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, पहला चैप्टर आप लोगों का रियल नंबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड बुक की तरफ, जो की है आप लोगों की साइंस। ठीक है, साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की साइंस की बुक है वो कितने रुपए की आपको पड़ेगी। अगर आप लोग जो है मार्केट से खरीदते हो, या लोकल मार्केट से, या फिर अमेजोन से खरीदते हो सिंगल बाय सिंगल, तो आप लोगों को 195 रुपीज की साइंस की बुक पढ़ने वाली है। ठीक है, चैप्टर्स की बात करें, नई वाली एनसीईआरटी में कितने चैप्टर आपको दे रखे हैं, डिटेल में बात करें अगर हम लोग, ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोग पुरानी वाली बुक मत खरीदना, ठीक है, फिर आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट होगा। अगर आप लोग नई खरीद रहे हो, अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप लोग पुरानी ले लो। फिर मैंने आपको मार्क भी करा रखा है सिलेबस इसी चैनल के ऊपर, जहां पे आप लोगों को पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के बीच में जो डिफरेंस है सिलेबस का, वो मैंने मार्क करवाया। तो साइंस के अंदर आपके पास 13 चैप्टर है। साइंस के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यहाँ से हटा दिया गया है, और जो चैप्टर 13 है वो आपका अवर एनवायरमेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देख लेना, 13 चैप्टर आपको साइंस के अंदर दे रखे हैं, प्राइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। ठीक है, सोशल साइंस में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। जो आप लोगों का हिस्ट्री है, इसमें आप लोगों के कितने रुपए की आपको ये बुक पड़ेगी, ये पड़ेगी आपको 125 रुपीज की। ठीक है, चैप्टर की बात करें, हिस्ट्री के अंदर आपके कितने चैप्टर हैं 2025 बोर्ड एग्जाम यानी कि 2024-25 सेशन के लिए, आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कंटेंट में, ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पे एक सेक्शन 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 चैप्टर है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 है आपके पास, इसमें आपके पास फिर 2 चैप्टर है, फिर सेक्शन 3 है आपके पास, इसमें आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स आपके अंदर हिस्ट्री में, ठीक है, आपके पास 5 चैप्टर है। ठीक है, अगली बुक की अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री के अलावा, ये आप लोगों की हो गई ज्योग्राफी की बुक। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपके पास कितने चैप्टर हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये मैंने ज्योग्राफी की बुक पहले से ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को ज्योग्राफी की जो बुक है 90 रुपीज की पड़ेगी, अगर आप लोग सिंगल बुक को जाके परचेस करते हो। ठीक है, चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें, कितने चैप्टर्स आपको ज्योग्राफी के अंदर दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, और जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि 7 चैप्टर्स आपके पास ज्योग्राफी के अंदर दे रखे हैं।
ठीक है। अगली बुक की अगर हम लोग बात करें, अगली बुक आपके पास कौन सी है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स भी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट इसको, इसमें बात करते हैं कितने रुपए की आपको ये बुक पड़ेगी। 90 रुपीज की आपको ये बुक पढ़ने वाली है, ठीक है, जो आप लोगों की है पॉलिटिकल साइंस की यानी सिविक्स की बुक है। वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड हो वो भी नई बुक को परचेस कर पाए, क्योंकि अभी जो है स्कैम चल रहा है एनसीईआरटी को लेकर, और जो आप लोगों के क्वेश्चन बैंक है अलग अलग पब्लिशर के द्वारा इसमें स्कैम चल रहा है, आप लोगों को पुरानी बुक पकड़ाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस में यानी कि सिविक्स में, ठीक है, तो सिविक्स के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर है, यूनिट 2 में आपका 1 चैप्टर है, यूनिट 3 में 1 चैप्टर है, यूनिट 4 में 1 चैप्टर है, तो टोटल आप लोगों के जो है 5 चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 5 चैप्टर्स आपके पास हैं। चैप्टर के नाम आप लोग पढ़ लेना, लास्ट चैप्टर आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है और पहला चैप्टर आपका पावर शेयरिंग है, ठीक है। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 5 चैप्टर, ठीक है। अगली बुक की अगर हम लोग बात करें, अगली बुक है आपकी, ठीक है, ये सब हम लोग सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस के अंदर आपके पास 4 बुक है, ठीक है। अगली बुक है आप लोगों की, ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें कितने रुपए की आपको पढ़ने वाली है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 90 रुपीज की आपको इकोनॉमिक्स की बुक पड़ेगी, अगर आप लोग लोकल मार्केट से या फिर अमेजोन से जाके परचेस करते हो। मेरे लिंक से जाके परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ये बुक मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जाके जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके जो है इस बुक को परचेस कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि कितने चैप्टर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, और जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर 5 है वो है कंज्यूमर राइट। इकोनॉमिक्स इजी पड़ती है आपको, और खास बात क्या है सारे ही, ठीक है, चाहे आप लोगों की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, सभी आप लोगों के जो है बराबर बराबर मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स आप लोग मानो, ठीक है। जो आप लोगों का थ्योरी एग्जाम होगा 80 में से, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका हर एक सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स पे भी स्पेशल फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ईजी है और आप लोगों को जो है ईजी पढ़ता है इकोनॉमिक्स, एक बार पढ़ोगे एक बार में याद हो जाती है चीजें, ठीक है, समझ में भी आती है। अगला जो है आप लोगों की जो अगली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आपकी अगली बुक जो है, ठीक है, नेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। इसकी अगर हम लोग बात करें क्या प्राइस रहने वाली है इसकी, 90 रुपीज में आपको ये बुक मिलेगी। आप लोगों को जो है लोकल मार्केट से अगर खरीदते हो तो आप लोग जो है ये चैप्टर्स मिला लेना, जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ कितने चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर आप लोगों के सिलेबस रिलेटेड है उसको भी आप लोग चेक कर लेना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है आप लोगों का अ लेटर टू गॉड, ये आप लोगों का पहला चैप्टर है, ठीक है, पोएम्स आपको बीच में दे रखी है, तो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, और जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 9 द प्रपोजल, ठीक है। तो 9 चैप्टर्स आपके पास इस बुक के अंदर आपको दे रखे हैं, ठीक है। बुक का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट। अगली जो बुक है आप लोगों की फुटप्रिंट विदाउट फीट, अगली बुक जो है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ठीक है। हम लोग बात करें अगली बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये कितने रुपए की आपको पड़ेगी, ये आपको पड़ेगी 50 रुपीज की, ठीक है। तो सस्ती बुक है, बट अगर आप लोग जो है लिंक से परचेस करते हो तो आपको और भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें कितने चैप्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये आप लोगों की जो फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक है इसके अंदर आपको कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, आप लोग जो है एक बार सिलेबस को मिला लेना, पुरानी एनसीईआरटी अगर आप लोग खरीदते हो तो आप लोग एक बार सिलेबस को जाके मिला लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें आपको, ठीक है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है वो है, ठीक है, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो 9 चैप्टर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जो पोएम्स वगैरह मैंने आपको बता दी, ठीक है, बीच बीच में आपको पोएम्स भी मिल जाएंगी। अगली जो आप लोगों की बुक है वो हिंदी की बुक है कृतिका, ठीक है। कृतिका में जो है आप लोगों की कौन कौन से आपके कितनी प्राइस है आपकी, 35 रुपीज की आपको कृतिका मिल जाएगी, ठीक है, 35 रुपीज की आपको कृतिका मिल जाएगी। चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें कितने चैप्टर्स आपको दे रखे हैं कृतिका के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली हम जो है मूव करते हैं चैप्टर्स की तरफ, कितने चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये है पहला चैप्टर है माता का अंचल, ठीक है, और ये आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है। और जो आप लोगों का अगला चैप्टर है क्षितिश, ठीक है, अगली बुक जो है आप लोगों की क्षितिश है, ये आप लोगों की जो है कितने आप लोगों को कितने रुपए में आपको ये मिल जाती है मार्केट में, 70 रुपीज की आपको क्षितिश की बुक मिल जाती है, ठीक है। अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें कितने चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, हिंदी काफी ज्यादा ईजी रहता है, ठीक है, आप लोगों का जो लिटरेचर सेक्शन रहता है हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो काफी ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन को आप लोग जो है स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चैप्टर्स बहुत कम है आपके, ये आप लोगों के हिंदी में तो काफी कम चैप्टर्स हैं। सूरदास, ठीक है, पहला चैप्टर आपका सूरदास, ठीक है, फिर आप लोगों का तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, इस तरह से आप लोगों के जो है यहाँ पे 12 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, 12 चैप्टर्स आपके इस बार आपके आने वाले हैं।
तो ये आप लोग देख लेना, लास्ट वाला क्या है, बंदत आनंद कौशल्यान, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का है, तो ये आप लोग देख लेना। बाकी मैं आपको सिलेबस भी मार्क कराऊंगा, तो ये आप लोगों को जो है काव्याखंड करके है, और आप लोगों का जो है हिंदी का जो ये वाली बुक है आपकी, एक काव्याखंड है, एक है आपका गदखंड, ठीक है। तो इसका सिलेबस मैं आपको मार्क करवा दूंगा, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिंदी और इंग्लिश का मैंने आपको सिलेबस मार्क कराना है। हो सकता है जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब तक मैंने आपको सिलेबस मार्क करवा दिया हो पुरानी एनसीईआरटी में, या फिर मैं आपको सिलेबस को बता दूंगा। तो आप लोग जो है अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है नई बुक्स का, ठीक है, वहां पे अगर आप लोग जाके खरीदते हो इस बुक को, ठीक है, टोटल आपको जो बुक मिलेगी, टोटल बुक अगर आप लोग परचेस करते हो तो ये आप लोगों को 995 की पड़ रही है, जितने प्राइस मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर 995 की पड़ रही है। अगर आप लोग जो है मेरे लिंक से परचेस करते हो तो वहां पे जाके आपको 800 रुपीज की जो है ये बुक मिल जाएगी, तो यानी कि आपको 200 रुपीज का जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप लोग मेरे लिंक से जाके परचेस करते हो। तो जल्दी से जाके जो है आप लोग लिंक से जाके परचेस कर लो, जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया उससे जाके परचेस कर लो, ठीक है, फटाफट से। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।